नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस विद कैलाश सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, डेली रात को 9 बजे आपके लिए रेलवे, SSC, सुपर टेट, टेट, पुलिस तथा आदि गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी के लिए सामान्य विज्ञान की सीरीज लाई जाती है, जिसमें आज हम 26वां सेट डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ेंगे सीधे क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन, कंप्यूटर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर विज्ञान का जनक जो है किसे कहा जाता है? ब्लेज पास्कल को, जोसेफ जेकार्ड को, चार्ल्स बेबेज को, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा, कंप्यूटर का जो जनक कहे जाते हैं ये कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर का यांत्रिक और विद्युत इलेक्ट्रॉनिक भाग कहलाता है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ईमेल या इंटरनेट? तो कंप्यूटर का यांत्रिक और विद्युत इलेक्ट्रॉनिक भाग जो है यह क्या कहलाता है? आंसर होगा ए, हार्डवेयर। तीसरा क्वेश्चन, सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर था? अल्टेयर 880, EDSAC, ESVAC या ENISE? तो तीसरे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो जाएगा, सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर जो था अल्टेयर 880 था। बेसिक कंप्यूटर भाषा आई प्रथम पीढ़ी में, द्वितीय पीढ़ी में, तृतीय पीढ़ी में, चतुर्थ पीढ़ी में? तो बेसिक जो है कंप्यूटर की भाषा है, और यह किस पीढ़ी में आई? तो सही आंसर होगा डी, चतुर्थ पीढ़ी में। पांचवा क्वेश्चन, कंप्यूटर हेतु आवश्यक चिप सामान्यतः निर्मित होते हैं? कंप्यूटर के लिए IC चिप बनाए जाते हैं, यह किससे निर्मित होते हैं? सीसा से, सिलिकॉन से, क्रोमियम से, स्वॉर्ड से? तो सही आंसर होगा, बिल्कुल आप सभी लोग जानते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सिलिकॉन। कंप्यूटर हेतु आवश्यक IC चिप जो होते हैं या सिलिकॉन से निर्मित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है? सुपर कंप्यूटर, सुपर कंडक्टर, माइक्रो कंप्यूटर या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो छठवां क्वेश्चन, कौन सा कंप्यूटर सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है? तो आंसर होगा सुपर कंप्यूटर। सातवां क्वेश्चन, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर आधारित है? डिजिटल कंप्यूटर जो होता है किस सिद्धांत पर आधारित होता है? गणना के सिद्धांत पर, मापन के सिद्धांत पर, विद्युत के सिद्धांत पर या लॉजिकल सिद्धांत पर? तो सातवें क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ए, गणना के आधार पर। डिजिटल कंप्यूटर जो होता है यह गणना के सिद्धांत पर आधारित होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है? यह चार ऑप्शन दिए गए हैं और इनमें से एक जो है कंप्यूटर की भाषा नहीं है। देखिए, फोर्ट्रॉन, बेसिक और कोबोल ये तीनों ही कंप्यूटर की भाषा हैं, लेकिन लोटस जो है इसकी भाषा नहीं होती। तो आठवें क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। नौवां क्वेश्चन, कोबोल भाषा किसके लिए उपयुक्त है? व्यावसायिक कार्यों के लिए, ग्राफिक कार्य के लिए, विज्ञान के लिए या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो नौवें क्वेश्चन का सही आंसर होगा, कोबोल जो होती है यह व्यावसायिक कार्यों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त भाषा है। फोर्ट्रॉन किस क्षेत्र में उपयोगी है? व्यवसाय के क्षेत्र में, रेखा चित्र में, विज्ञान में या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो दसवें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, विज्ञान के क्षेत्र में। फोर्ट्रॉन जो है यह विज्ञान के क्षेत्र में उपयोगी भाषा है। एक बाइट में कितने बिट होते हैं? 11वां क्वेश्चन, एक बाइट में कितने बिट होते हैं? 10, 12, 6 या 8? तो सही आंसर होगा 8 बिट। 12वां क्वेश्चन देखेंगे, कंप्यूटर की मेमोरी में कौन से चिप होते हैं? रैम, रोम, प्रोम या फिर उपयुक्त सभी? तो जो सही आंसर होगा, कंप्यूटर की मेमोरी में कौन से चिप्स होते हैं? रैम भी होते हैं, रोम भी होते हैं और प्रोम भी होते हैं। तो आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लाइन प्रिंटर की गति इकाई है? लाइन प्रिंटर की जो गति इकाई है वो क्या है? लाइन प्रति मिनट, कैरेक्टर प्रति मिनट, पेज प्रति मिनट या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो 13वें क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए, लाइन प्रति मिनट। चौदहवा क्वेश्चन, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है? IC चिप पर किसकी परत होती है? हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन को, सिलिकॉन की। सही आंसर होगा ये, सिलिकॉन की। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? देखिए, IC चिप जो होती है सिलिकॉन से निर्मित होती है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं।
यहाँ पूछा गया है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसके द्वारा किया गया, तो सही आंसर है सी, J.S. किल्वी के द्वारा। कंप्यूटर अशुद्धि को क्या कहते हैं, कंप्यूटर में जो अशुद्धि पाई जाती है उसे क्या कहा जाता है, विट, बाइट, बग या प्रोम, तो सही आंसर होगा बग। कंप्यूटर में जो अशुद्धि पाई जाती है उसे बग कहा जाता है। 17वां क्वेश्चन, अविकस का आविष्कार हुआ था, अविकस का आविष्कार कहाँ हुआ, इसका आंसर होगा बी, चीन में। सबसे पहला स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर था एडसेक, ENISC, ABC या EDVAC, तो 18वें क्वेश्चन का सही आंसर होगा EDSAC, आंसर हो जाएगा ए, EDSAC। 19वां क्वेश्चन, सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर जो था वो कौन सा था, ABC, IKEN तथा मार्क वन, अबिकस या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो 19वें क्वेश्चन का आंसर होगा ए, ABC। अगला क्वेश्चन देखते हैं, IBM PC कब विकसित हुआ, IBM PC जो था यह कब विकसित हुआ, 1981 में, 1982 में, 1985 में, 1986 में, तो 20वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ए, 1981 में, IBM PC जो था 1981 में विकसित हुआ। 21वां क्वेश्चन, कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है, स्मृति, कुंजीपटल, CPU या हार्ड डिस्क, तो सही आंसर होगा कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है, आंसर हो जाएगा सी, CPU। 22वां क्वेश्चन, मेमोरी शब्द किससे संबंधित है, लॉजिक से, कंट्रोल से, इनपुट से या स्टोरेज से, मेमोरी शब्द जो है यह किससे संबंधित है, तो स्टोरेज से। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश है, जापान, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर ब्रिटेन, तो 23वें क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी, USA। USA जो है विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश है। 24वां क्वेश्चन, नासा द्वारा विकसित सर्वाधिक तेज कंप्यूटर कौन सा है, नासा द्वारा विकसित सर्वाधिक तेज जो कंप्यूटर था इसका नाम था कोलंबिया। 25वां क्वेश्चन, कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है कब मनाया जाता है, 25वां क्वेश्चन, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, आंसर होगा बी, 2 दिसंबर। 26वां क्वेश्चन, ईमेल के पितामह किसे माना जाता है, ईमेल का पितामह किसे माना जाता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल जो होते हैं इनका जनक रेमंड सैमुअल टॉमलिंसन को माना जाता है। 27वां क्वेश्चन, CPU का विस्तृत रूप क्या है, CPU जिसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है और इसका विस्तृत रूप यानी फुल फॉर्म पूछी गई है, CPU को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है और इसकी फुल फॉर्म हो जाती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आंसर हो जाएगा बी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। 28वां क्वेश्चन, WWW का विस्तारित रूप क्या है, WWW का विस्तारित रूप क्या होगा, तो सही आंसर हो जाएगा 28th क्वेश्चन का, ये हो जाएगा सी, वर्ल्ड वाइड वेब। 29वां क्वेश्चन, पहला कंप्यूटर भारत में कब और कहां लगाया गया, पहला कंप्यूटर भारत में कब और कहां लगाया गया, आंसर होगा सी, ISO कोलकाता 1952। 30वां क्वेश्चन, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ENIAC, सिद्धार्थ, परम या डिब, आंसर होगा ए, ENIAC। ENIAC जो है विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर भारत के द्वारा बनाया गया, जो पहला कंप्यूटर था इसका नाम था सिद्धार्थ, और जबकि भारत ने जो सुपर कंप्यूटर डेवलप किया है उसका नाम है परम। 32वां क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले सेल्युलर फ़ोन सेवा शुरू हुई थी, जो सेलफोन सेवा है, मोबाइल सेवा भी समझ सकते हैं हम इसे, इसकी शुरुआत कब हुई, तो सेल्युलर फ़ोन सेवा जो है यह अगस्त 1995 में शुरू हुई। सिम कार्ड जो आप अपने फ़ोन में डालते हैं, सिम बड़ी होती है, तो सिम कार्ड का विस्तारित रूप यानी फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है ए, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल।
चौंतीसवां क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी मोबाइल निर्माता कंपनी कौन सी है? 34 क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी मोबाइल निर्माता कंपनी मोटोरोला, नोकिया, सैमसंग या एप्पल? तो 34 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, एप्पल। एप्पल जो है विश्व की सबसे बड़ी मोबाइल निर्माता कंपनी है। 34वां क्वेश्चन, कंप्यूटर में परिकलन कहाँ संपन्न होते हैं? 34th क्वेश्चन, कंप्यूटर में परिकलन कहाँ संपन्न होते हैं? आंसर होगा बी, सीपीयू में। कंप्यूटर में परिकलन जो है यह सीपीयू में संपन्न होते हैं। और बढ़ेंगे आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ। प्रथम कंप्यूटर नियंत्रक रोबोट कब बनाया गया था? प्रथम कंप्यूटर नियंत्रक रोबोट जो है यह कब बनाया गया? 1950 में, 56 में, 60 में या 66 में? तो सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा सी, 1960। प्रथम कंप्यूटर नियंत्रक रोबोट जो था यह 1960 में बनाया गया। इस प्रकार की सीरीज से जुड़े रहने के लिए सभी लोग जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कल आपके लिए ब्रह्मांड से संबंधित क्वेश्चंस की वीडियो आएगी। आप जो हम टेस्ट पेपर 27 डिस्कस करने वाले हैं कल, तो इस सेट में हम ब्रह्मांड से संबंधित क्वेश्चंस, जैसे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल होते हैं, पृथ्वी के चारों ओर कौन से गैसों का समूह होता है, दिन और रात कब बराबर होते हैं, या फिर पूरब से पश्चिम की ओर परिक्रमा करने वाले ग्रह, इस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे। ब्रह्मांड विज्ञान से संबंधित क्वेश्चंस को हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।